हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 फरवरी दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के एक्सपोर्ट पर आंकड़ा आ रहा है कि पिछले 8 सालों में 1877 नए उत्पादों का शुरू किया गया निर्यात। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भारतीय एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं दोस्तों, एनसीआरबी की बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, पुलिस कस्टडी और सुधार गृह में भी हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं है। पिछले 5 सालों में ऐसे वातावरण में भी 275 केस दुष्कर्म के दर्ज हुए। ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से। डेटा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि साल 2017 से लेकर 2022 तक इन 5 सालों में 270 से ज्यादा इस तरह के मामले सामने आए और आरोपियों में पुलिस कर्मी, रिमांड होम स्टाफ शामिल हैं। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में आए। मतलब देखिए, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा देने वाले हैं वही खुद उनके लिए असुरक्षा का कारण बनते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इन आंकड़ों में धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में गिरावट आ रही ग्राफ में आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड का आयोजन किया और इसमें पीएम बोले कि अब अगले 3 महीने तक मन की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे। पीएम ने मन की बात में कहा कि देश की उपलब्धियां नहीं रुकेगी। और मन की बात के इस एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की पीएम मोदी ने। महिलाओं के ड्रोन प्रशिक्षण पर भी चर्चा की। चलिए बड़ी खबर है, आज 26 फरवरी को पीएम मोदी भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। 100 से ज्यादा देश इस इवेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो न्यू दिल्ली में होगा। ये 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजन होने जा रहा। ये भारत का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत आज 26 तारीख से होगी। ये इवेंट भारत मंडपम और यशोभूमि में आयोजित होगा। दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं देखिए, पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर को 4100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने 1195 करोड़ से निर्मित गुजरात के पहले एम्स हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। न सिर्फ गुजरात में बल्कि पीएम मोदी ने देश भर में 5 नए एम्स का उद्घाटन किया। और ये 5 नए एम्स का उद्घाटन देश के किन किन राज्यों में किया गया तो देख सकते हैं आप। गुजरात राजकोट, पंजाब बठिंडा, उत्तर प्रदेश रायबरेली, पश्चिम बंगाल में कल्याणी जिले में और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में। ये राज्यों में अलग अलग जिलों में एम्स की सौगात दी पीएम ने। गुजरात में सुदर्शन सेतु ब्रिज का उद्घाटन भी किया और ये देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जिसका पीएम ने उद्घाटन किया। इस ब्रिज की और क्या खासियत है कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अभी आपको पता होगा, इससे कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने अलग अलग अंदाज में फोटो खिंचवाए थे। अब यही नजारा कुछ द्वारका में भी देखने को मिला, स्कूबा डाइविंग की कृष्ण नगरी द्वारका में। पीएम बोले कि बड़ा दिव्य अनुभव था। स्कूबा डाइविंग के जरिए उन्होंने समुद्र में श्री कृष्ण के दर्शन भी किए पुरानी द्वारका में। और देखिए, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजन और इनॉग्रेशन किया। एम्स परिसर में बनेगा 22,000 स्क्वायर फुट 500 कमरों का रेन बसेरा। मरीजों के परिजनों के लिए फ्री होगा ये रेन बसेरा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना वेलनेस सेंटर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया पीएम ने कल रविवार को। और वहीं आज भी दोस्तों, देश को विकास की सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आज 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे, जिसमें पूर्व मध्य रेल के 38 स्टेशनों में से बिहार के 22, झारखंड में 14, उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। और भी देश भर के अलग अलग राज्यों में रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट करने के लिए ये अमृत भारत स्टेशन योजना के विकास की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। और एक अच्छी खबर ये है कि पीएम 41,000 करोड़ के 2,000 से भी ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स की भी आज शुरुआत करेंगे, जिसमें ये भी शामिल है 553-54 स्टेशनों की सूरत बदल जाएगी। और अगले महीने 2 मार्च को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। यहां भी कई मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। औरंगाबाद, बेगूसराय में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये कुछ प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी बड़ी खबरें मैंने आपको एक साथ बता दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय लोग खाने पर कम लेकिन टीवी, फ्रिज और घर के सामानों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीणों का खर्च बढ़ा है। 11 साल बाद आई MPCE की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। MPCE, इसका फुल फॉर्म होता दोस्तों मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हिंदी में साधारण भाषा में बोले तो मासिक प्रति व्यक्ति खर्च, यानी एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च करता है। इसको लेकर भारतीयों पर ताजा रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीयों के घरों में खाने के सामान पर कम जबकि कपड़े, टीवी, फ्रिज, मनोरंजन जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च किया जाता है। ये देखिए अलग अलग प्रतिशत के आंकड़े, कहां कितना खर्च कर रहे हैं भारतीय लोग। चलिए अगला अपडेट भी एक सर्वे से जुड़ा ही। देखिए आप, NSSO के सर्वे में भी ये खुलासा हुआ कि पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 सालों में भारतीय परिवारों का मासिक खर्च दुगुने से भी ज्यादा हुआ है। यानी इन आंकड़ों को देखा जाए तो ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में देश में महंगाई कितनी बढ़ी है। और वहीं महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि ब्रेड, मक्खन और शहद से लेकर मसाले तक जल्द ही महंगे हो सकते हैं। FMCG उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये ज्यादातर उत्पाद बनाने वाली कंपनी डाबर का कहना है कि खाद्य उत्पादों की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी की है। और इमामी कंपनी भी इस साल लगभग 3% तक दाम बढ़ा सकती है। गोदरेज कंज्यूमर के भी अधिकारी का कहना है कि कमोडिटी की कीमतें अब थोड़ी ज्यादा है और इसलिए कई सारी कंपनियां जो इस तरह के उत्पाद
बनाती हैं वो अपने प्रोडक्ट को महंगे करेगी। सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे और सख्त बड़े कदम उठाने चाहिए, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हम पर कोई अपनी मर्जी थोप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि क्वाड कुछ देशों के दबदबे के खिलाफ है, ये दुनिया के विकास में भागीदार बनेगा। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। देखिए, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में फैक्ट्री मालिक भी शामिल है, 2 अभी भी लापता है, 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में इस तरह की घटना हुई थी, मैंने आपको बताया था। ये वो फैक्ट्री मालिक है शाहिद अली, जो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और बिहार में देर रात एक भीषण सड़क हादसा भी हो गया, 9 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई स्कॉर्पियो बाइक, 2 महिलाएं शामिल हैं इसमें। प्लीज गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। बिहार के कैमूर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। और दोस्तों रेलवे से जुड़ा भी एक बड़ा भयंकर हादसा होते होते टल गया। ये देखिए बड़ी खबर, बिना ड्राइवर के 78 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी, स्टार्ट करके हैंड ब्रेक लगाना भूल गया ड्राइवर। जम्मू कश्मीर से पंजाब पहुंची ये ट्रेन, फिर लोगों ने लकड़ी के स्टॉपर लगा करके इस ट्रेन को रोका। वो तो गनीमत रही दोस्तों कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना देश में बहुत बड़ा भयंकर कांड हो सकता था। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ही भारत ने कई बड़े रेल हादसे झेले हैं, आपने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर वगैरह में। तो कल हुआ कुछ यूं कि जम्मू कश्मीर के कठुआ से मालगाड़ी 14806 नंबर वाली बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई। करीब 78 किलोमीटर तक ये मालगाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही। होशियारपुर के ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर उसे रोका गया। अब सोचिए कई सारे रेलवे रूटों को क्रॉसिंग की होगी इसने, दूसरी ट्रेनों से टकरा जाती अगर पैसेंजर ट्रेन से ये मालगाड़ी, तो कितना भयंकर हादसा हो सकता था। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत मालदीव विवाद के बीच अब मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत हमेशा हमारा मददगार रहा है। वो बोले कि हम यहां गलत वजहों से चर्चा में हैं, पड़ोसियों से दोस्ती होना जरूरी है। चलिए दोस्तों बिजली सप्लाई को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत में साल 2032 तक बनेंगे 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जिनसे 13,800 मेगावाट बिजली पैदा होगी और इससे भारत में बिजली सप्लाई व्यवस्था अच्छी बढ़ेगी। किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया WTO क्विट डे का ऐलान। आज नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन भी करेंगे किसान भाई लोग। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब केंद्र सरकार से ये मांग की है कि 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में होने वाले विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में खेती को WTO से बाहर रखने के लिए विकसित देशों पर दबाव डाला जाए। ये मतलब केंद्र सरकार से किसानों ने मांग की है। और वहीं देखिए हरियाणा में भी किसान नेताओं ने केंद्र से वार्तालाप यानी कि बातचीत करने के संकेत दिए हैं। पंतेर बोले कि बैरिकेडिंग और इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल है। सिंगू टीकरी बॉर्डर अस्थायी रूप से खोले गए, कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट। पंजाब में 11 मार्च को ट्रेनों का फिर से चक्का जाम होगा अगले महीने। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने यह बड़ा ऐलान किया है, पैदल यात्रा भी निकालेंगे। वैसे पंजाब में अभी किसान आंदोलन लगभग खत्म होने के बाद भी 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई हुई है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया और 7 जिलों के 20 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा 26 फरवरी तक बंद रहेगी। किन किन क्षेत्रों में ये बंद रहेगी जिसकी पूरी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और देखिए हरियाणा के फतेहाबाद में भी किसान आंदोलन पर महापंचायत हुई। 36 खाफों और 72 गांवों के लोगों का फरमान है कि पंजाब के संगठन SKM के बैनर तले आए। अब 2 तारीख को इस संबंध में अगली मीटिंग होगी। और अगली बड़ी खबर देखिए। संविधान, लोकतंत्र और सच को बचाने में मीडिया नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ बोले कि अब विस्लर ब्लोवर ही आखिरी उम्मीद है। विस्लर ब्लोवर एक तरह की नीति होती है दोस्तों, जिसमें कोई एक व्यक्ति होता है जो उसी संगठन या संबंधित लोगों के समुदाय का होता है, लेकिन वो लोगों में होने वाले अन्याय से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। ऐसे कुछ न्यूज रिपोर्टर्स हैं अभी हमारे देश में, जैसे रवीश कुमार। चलिए अगला अपडेट है। चुनाव का फेक शेड्यूल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर भारतीय निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐलान कर दें, व्हाट्सएप मैसेज से नहीं। और इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर कोई चुनाव की तारीखें वायरल हो रही है तो उन्हें सही ना समझें। और बड़ी खबर है, NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2000 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसका मास्टरमाइंड तमिल फिल्म प्रोड्यूसर है। न्यूजीलैंड और मलेशिया तक इसकी ड्रग्स की सप्लाई होती थी। ये पूरा ड्रग तस्करी का रैकेट था, लेकिन एनसीबी ने इसे पकड़ लिया। चलिए खबर है, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बंगाल में केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां तैनात होगी सुरक्षा के लिए। इलेक्शन कमीशन ने अभूतपूर्व फैसला लिया है। और दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय मसाले कैंसर को ठीक कर सकते हैं। IIT मद्रास ने इस रिसर्च को पेटेंट भी करा लिया है। जल्द इसका ट्रायल होगा और 2028 से इसकी दवाइयां भी मिल सकती हैं। IIT मद्रास ने यह दावा किया कि भारतीय मसाले लंग कैंसर सेल, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन वगैरह और भी कई तरह के कैंसर की सेल्स में एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी इनसे कैंसर की रोकथाम होती है। ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी और गर्व की बात है कि भारतीय मसालों में कितनी ताकत है। अमेजिंग राइट। मुख्य रूप से कैंसर क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं और हमारे शरीर के 5 सबसे खतरनाक कैंसर ये है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें
देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कल परसों 26-27 फरवरी को जरा संभल कर रहे, आंधी तूफान के साथ कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। बर्फबारी भी होगी पहाड़ी राज्यों में। देखिए मध्य प्रदेश भोपाल जबलपुर समेत आधे एमपी में ओले बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन तक एमपी के अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां रहेगी। राजस्थान के भी 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में एक्टिव होगा नया सिस्टम, तो ठंड फिर से बढ़ सकती है। 2 दिन में उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बारिश की संभावना है। बर्फीली हवाओं ने यहां भी बढ़ाई ठंड। बिहार में भी 27 तारीख को फिर से बारिश होगी। तो वहीं इधर हरियाणा में देखिए आप, उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने ठंडक बढ़ाई, बारिश के साथ ओले गिरने के आसार है। 29 तारीख से बादल छाएंगे हरियाणा में। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर देखने को मिलेगा। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट से कुछ अपडेट्स। रिलायंस डिज्नी ने साइन किया बाइंडिंग पैक्ट। मर्ज की गई मीडिया यूनिट में RIL की 61% हिस्सेदारी होगी। और एक बड़ी अति सुंदर तस्वीर आ रही दोस्तों, रामलला की मूर्ति बनने की दौरान की ये तस्वीर है। मूर्तिकार अरुण ने इसे शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा कैप्शन भी लिखा कि स्पर्श करके भगवान को महसूस करना एक अलग ही अनुभव देता है। अरुण योगी राज, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई, उन्होंने ये अपनी तस्वीर शेयर की है। अमेजिंग, अद्भुत, जय श्री राम। कमेंट करके लिख दीजिए और रामलला के लिए एक लाइक तो बनता है यार। शायद ऐसा कोई कंजूस होगा जो प्रभु श्री राम के लिए वीडियो को लाइक ना करे, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3-4 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को धमकी भरे मैसेज भी आ रहे हैं। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। धौलपुर में जनसभा भी हुई। वो बोले कि देश में केवल 40% लोगों को ही सरकारी योजनाओं का फायदा हो रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी गए। और इससे पहले कल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। देखिए ये कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। पहली बार प्रियंका भी जुड़ी उनसे। चलिए अगली बड़ी खबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक चिप अनिवार्य करेगा नेपाल। और इसकी कीमत लगभग $10 से $15 होगी, जो लेना जरूरी होगा तभी आप माउंट चढ़ाई कर पाए। और खबर है रेरा पर नहीं लगेगा GST। जल्द ही स्पष्टीकरण जारी कर सकती है काउंसलिंग। रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को GST से बाहर करने की प्लानिंग में है सरकार। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में OBC छात्र कर सकेंगे फ्री में कंप्यूटर कोचिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट के लिए ये शानदार घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इस कोर्स के लिए कोई भी इच्छुक उम्मीदवार जून से जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए योगी सरकार ने ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। ये देख सकते हैं obccomputertraining.upsdc.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं वे स्टूडेंट युवा जो OBC के कंप्यूटर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ऑल लेवल कंप्यूटर कोर्स करवाएगी फ्री में सरकार, ठीक है। 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें दाखिला ले सकते हैं। और वही देखिए, यूपी में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IAS सुहास LY को बधाई भी दी। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा की एक घटना दोस्तों, जैसे ही मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाया मोबाइल फोन फट गया और 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, सीने पर घाव हुआ। आए दिन कई ऐसी घटनाएं आती हैं, तो फोन को लेकर भी सावधान रहें, सतर्क रहें। ज्यादा मोबाइल फोन गर्म हो तो दूर हो जाएं उससे। और चलिए खबर है, इस साल होगी 42 लाख शादियां, 5.5 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। मैरिज इंडस्ट्री को लेकर ये मार्केट का आंकड़ा सामने आ रहा है, केट ने जारी किया। और रक्षा निर्यात पर भी अच्छी खबर आ रही, देखिए दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि तीनों सेनाएं साथ मिलकर के कई चुनौतियों का मुकाबला कर रही हैं। रक्षा मंत्री का कहना कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन साल 2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उपकरण मिलने के साथ ही रक्षा के क्षेत्र में एक्सपोर्ट से कमाई भी हो रही है ना। और रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक और बड़ा समझौता देखिए आप, DRDO को लेकर कहना, प्रमुख रक्षा उत्पादों के साथ DRDO ने 23 लाइसेंसिंग समझौते किए, कई अलग अलग क्षेत्रों में बातचीत भी हुई। और कल ही रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि पहली बार विजेता सशस्त्र बल कर्मियों को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। स्वर्ण पदक जीते खिलाड़ी को 25 लाख रुपए मिलेंगे गोल्ड मेडल वाले को, और इसी तरह से रजत पदक विजेताओं को 15 और कांस्य पदक वालों को 10 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी रक्षा मंत्रालय द्वारा। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले फिल्म डायरेक्टर कुमार छहाणी जी का निधन हो चुका है। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना कि साल 2014 के बाद हर साल एक IIT या IIM खोला गया। बिट्स पिलानी के मुंबई कैंपस में बोली वित्त मंत्री। और खबर है जम्मू कश्मीर लद्दाख में फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए, 3.0 रही तीव्रता, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी नींव का पत्थर रखेंगे। 6 मोबाइल फूड सेफ्टी वाहन भी जनता को समर्पित करेंगे। और भी जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और खेल समाचार पर खबर है, ऑस्ट्रेलिया ने 27 रन से जीता 3रा T20 मैच। न्यूजीलैंड पर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। और वहीं देखिए क्रिकेटर अश्विन बने भारतीय
पिचों पर टॉप विकेट टेककर कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा के 4000 रन पूरे हुए। अना और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर है, फ्रांस ने मुस्लिम धर्म गुरु को देश से बाहर निकाल दिया। इमाम महजूब ने फ्रेंच नेशनल फ्लैग का अपमान किया था। सरकार का कहना कि कट्टरता बर्दाश्त नहीं होगी और ये मुस्लिम धर्म गुरु को फ्रांस ने अपने देश से आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। और एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ब्रिटेन ने चौथी बार यमन पर हमला किया। हुती विद्रोहियों के 18 ठिकानों को भी निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में 6 और देशों ने साथ दिया। सऊदी अरब में भी एक नया नियम लागू हो चुका है, अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगा इफ्तार। प्रिंस सलमान ने प्रतिबंध लगा दिया। मस्जिदों के अंदर रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी अब नहीं हो पाएगी सऊदी अरब में। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात, कुछ और बड़ी खबरें देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में हर साल फरवरी में होगी मैराथन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की, रन फॉर जीरो हंगर मैराथन की शुरुआत भी की। क्रिकेटर धवन भी यहां पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना कि हरियाणा राज्य में अंग्रेजों के जमाने का एक कानून भी खत्म कर दिया। खेती किसानों के लिए आबियाना पर 1 अप्रैल से रोक लग जाएगी और 4299 गांव के किसानों का 140 करोड़ का बकाया माफ किया जाएगा। आबियाना शुल्क जो कि नहरी पानी पर ली जाती है एक तरह के टैक्स की तरह, मैंने आपको बताया था ना कल, इससे सिंचाई पर किसान भाई लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसे हरियाणा सरकार ने क्योंकि खत्म कर दिया है, अब एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा आबियाना के नाम पर किसानों को। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने लोन की ब्याज माफी वगैरह पर भी फैसला लिया था। चलिए खबर है, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के आरोप पर बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कि उनकी भाषा राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि मनोज की मांगे बदलती जा रही, कोई उन्हें शब्द लिख कर दे रहा है। खबर है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में पीएम मोदी ने वर्चुअली किया क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। कई उच्च स्तरीय सेवाएं मिलेगी। पीएम मोदी ने बिहार को भी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज समेत 12 अस्पतालों का तोहफा दिया और राष्ट्र को 5 एम्स भी समर्पित किए, मैंने आपको बताया था। केरल राज्य के लिए भी पीएम मोदी ने नया चक्रव्यूह रचा। 2 महीने से भी कम वक्त में अब तीसरी बार दौरा करेंगे केरल का वो, चुनावी सिलसिले में। और देखिए उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू होने जा रहा, अब गांव के सफाई कर्मियों को लगानी होगी लाइव लोकेशन पर ऑनलाइन हाजिरी। ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मी क्या करते हैं कि जाते ही नहीं है अपनी ड्यूटी पर और ऑनलाइन हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन अब ये नया नियम लागू होने जा रहा यूपी के ग्राम पंचायतों में। फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश शामली से होने जा रही, जल्द ही सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए लागू किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने बड़ी सौगात दी है, महिलाओं को हर महीने इतने रुपए मिलेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की महिलाओं के लिए सीएम सुक्कू ने पेंशन राशि को बढ़ा दिया। पहले जो 1100 रुपए हर महीना पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया। और खबर है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। मंत्री बोले उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाएगी जल्द ही सरकार। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का एक बड़ा फैसला देखिए, शहर के साथ साथ अब जल्द ही गाँव में भी स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो जाएगा और जल्द इसकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। और देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना, पहली बार समारोह में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया। एमपी के बुरहानपुर में 403 जोड़ों की शादी हुई इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर भी विरोध किया लोगों ने। ईवीएम हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की भारत मुक्ति मोर्चा ने। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा और ईवीएम का पुतला भी फूंका। एमपी बुरहानपुर में ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनाव में ईवीएम हटाने को लेकर ये देशव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है। और देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट स्टेशन का भी डेवलपमेंट होगा, आज पीएम मोदी जो वर्चुअली उद्घाटन करेंगे 550 के लगभग स्टेशनों का, मैंने आपको बताया था ना। चलिए अगली खबर है, चुनाव से पहले 13,000 करोड़ लोन बांटेगी राजस्थान सरकार। किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा ये कर्ज और जल्द ही किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि भी जारी होगी। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ को मिली 4.33 करोड़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी लैब। खतरनाक बैक्टीरिया की अब जांच होगी। पीएम बोले कि विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड अपडेट करवाने की अंतिम तारीख भी बढ़ चुकी है। 25 फरवरी नहीं बल्कि अब 15 मार्च तक नवीनीकरण किया जा सकेगा। मोबाइल ऐप के जरिए भी आप आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और खबर है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 34 ट्रेनें फिर से कैंसिल की गई। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 26 फरवरी से 10 मार्च तक नहीं चलेगी। और उत्तर प्रदेश में 137वां मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। 1,85,000 मरीजों को मिला इलाज। 8,556 गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के समर्थन में उतरे जमात अध्यक्ष मौलाना रजवी। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि देश के मुसलमान लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध न करें बल्कि उन्हें वोट दें। यूपी रायबरेली को भी एम्स का तोहफा मिला। पीएम ने वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में 2 एम्स होंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश जालौन को भी बड़ी सौगात दी। वर्चुअल संवाद के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ किया। और देखिए बिहार में 6 एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा ठहराव। रेलवे ने लिया फैसला। धनबाद मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर दुरंतो शक्तिपुंज एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें रुकेगी। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था उस पर अब देखिए खबर आ रही कि अब बच नहीं पाएगा पेपर लीक का सरगना। एसटीएफ ने कई गुनहगारों की लिस्ट बना ली है और जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक के पीछे शामिल सभी अधिकारियों लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा कि यह परीक्षा 3 बजे हुई लेकिन पेपर 8 बजे ही व्हाट्सएप पर आ गया था। टेलीग्राम पर 100 रुपए में बिका था ये पेपर। 7 साल में 11 भर्तियां रद्द हुई पेपर लीक के चलते उत्तर प्रदेश में। आरोप है कि 5 लाख में एक वकील ने बेचा पुलिस भर्ती का पेपर। अभ्यर्थी की लोअर के नाड़े से मिली पर्ची, व्हाट्सएप से सबूत मिले, एडवांस में 60,000 रुपए लिए थे। अब जांच पड़ताल की जा रही है एसटीएफ टीम के द्वारा। जल्दी पकड़ में आ जाएगा कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। और बिहार में देखिए दोस्तों बीएसईबी
फ्री कोचिंग में पढ़ाएंगे सरकारी शिक्षक। 5 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन, इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। बॉलीवुड से खबर देखिए, दूसरे दिन आर्टिकल 370 ने कमाए 9,80,00,000 रुपए, 2 दिनों में किया 15,20,00,000 का बिजनेस। और खबर है गूगल का पेमेंट ऐप जीपे 4 जून के बाद अमेरिका में बंद हो जाएगा। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर इसके बंद होने की सूचना गलत तरीके से फैला रहे हैं, लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, भारत में गूगल पे बंद नहीं होगा, भारत में इसकी सर्विस चालू रहेगी, लेकिन अमेरिका में 4 जून के बाद जीपे गूगल पे बंद हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ अमेरिका में। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आप, 26 फरवरी का राशिफल मेष और धनु राशि वालों की तरक्की के योग है। कन्या राशि वालों को परेशानियों से राहत मिल सकती है, तो वहीं वृष राशि वालों की भी तरक्की दिख रही है। मकर राशि के लोगों को आर्थिक लाभ हो सकता है। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर बना हुआ है। वैसे हिंट दे दूं आपको, एक हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, भारत में किस राज्य में, कमेंट करके बता दो आप। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।